सार्वत्रिक समुच्चय U बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समुच्चय बराबर 1 2 3 4 5 6 तथा B बराबर 2 3 4। फोटो सिद्ध करो, फर्स्ट A यूनियन B का होल डैश बराबर A डैश कॉमन B डैश। सेकंड इसका क्वेश्चन है A कॉमन B का होल डैश बराबर A डैश यूनियन B डैश। सबसे पहले हम इसमें A यूनियन B ज्ञात करेंगे। A यूनियन B का मतलब A के अवयव और B के अवयवों को शामिल करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 2 3 4 इसमें पहले से हैं, इसलिए A यूनियन B का मान हो गया 1 2 3 4 5 6। A सर्वनिष्ठ B अर्थात A कॉमन B, A और B में जो समान अवयव है, A और B में समान अवयव 2 3 4 है, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया 2 3 4। उसके बाद हम A डैश ज्ञात करेंगे। A डैश का मतलब होता है A का पूरक समुच्चय, जिसको सार्वत्रिक समुच्चय में से घटाते हैं। यहाँ सार्वत्रिक समुच्चय में कुल 10 अवयव हैं, उसमें से 1 2 3 4 5 6 को घटाएंगे तो शेष बचेंगे 7 8 9 10। इसी तरह से बी डैश में ये जो सार्वत्रिक समुच्चय है उसमें से बी को घटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से 2 3 4 को घटाएंगे तो 1 5 6 7 8 9 और 10 आएगा। सबसे पहले हमने ये बाहरी प्रक्रिया पूरी कर ली। अब हम सबसे पहले नंबर एक, ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय बराबर ए का पूरक कॉमन बी का पूरक। एलएचएस क्या करेंगे, ए यूनियन बी का पूरक सार्वत्रिक समुच्चय में से ए यूनियन बी को घटा देंगे, यू माइनस 1 2 3 4 5 6 इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 7 8 9 और 10। यह आपका आया लेफ्ट हैंड साइड दायां पक्ष। इसी तरह से दायां पक्ष हल करेंगे, ए डैश कॉमन बी डैश, ए डैश का मान है हमारे पास 7 8 9 10, बी डैश का मान है 1 2 5 6 7 8 9 10, दोनों में समान अक्षर कौन से दिख रहे हैं, 7 8 9 10। इस तरह से बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों समान है, ये आपका प्रूव हो गया। LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट, A कॉमन B का होल डैश बराबर A डैश यूनियन B डैश, उसी को भी इसी तरह से करना है। सार्वत्रिक समुच्चय में से A कॉमन B को घटाएंगे, सार्वत्रिक माइनस A कॉमन B का है 2 3 4, हमने यहां निकाला पहले से ही, घटाने पर आया 1 5 6 7 8 9 10। फिर इसका राइट हैंड साइड A डैश यूनियन B डैश, A डैश का मान है 7 8 9 10, यहां लिख दिया संग 1 5 6 7 8 9, दोनों के बीच में संघ का निशान है इसलिए दोनों के अवयवों को शामिल करना है, 1 5 6 7 8 9 10। इस तरह से इसका जो LHS और RHS इसका समान है, इसलिए LHS बराबर RHS, ये आपका सिद्ध हो गया। ओके।